गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आदित्य जैन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? सपोज लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। सो एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के बीच में परफॉर्म किया जाता है और दो सेट्स के हम दोनों एलिमेंट्स लेते हैं। लेकिन दोनों एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जो फर्स्ट सेट आप यूज कर रहे हैं उसका हम पहला कोऑर्डिनेट लेंगे और जो आप दूसरा सेट यूज कर रहे हैं उसका हम दूसरा कोऑर्डिनेट लेंगे। और दोनों का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कराते हैं तो ए सपोज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, यदि इसको आपको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है तो ए बी यहाँ पर आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। स्मॉल ए आपका सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल बी सेट आपके बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से यदि आप बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करोगे तो कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो बी लिया, फिर आपने ए लिया, बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल ए। जैसे सपोज मान लीजिए दो सेट्स हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू है आपका 2 3 4। तो यदि आपको दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कराना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कराने के लिए जो आपका बनेगा पेयर वन का टू के साथ पेयर बनेगा। हमने क्या लिया? एक एलिमेंट्स ए का लिया, एक एलिमेंट्स बी का लिया, फिर वन का हम थ्री के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है, फिर वन का हम फोर के साथ पेयर बनाएंगे, फिर हम टू का टू के साथ पेयर बनाएंगे, फिर हम टू का थ्री के साथ पेयर बनाएंगे, फिर हम टू का किसके साथ पेयर बनाएंगे? फोर के साथ पेयर बनाएंगे। फिर इसी तरीके से हम थ्री का टू के साथ पेयर बनाएंगे, थ्री का हम थ्री के साथ पेयर बनाएंगे और हम थ्री का फोर के साथ पेयर बनाएंगे। तो ये चीज क्या कहलाती है? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। एक्चुअली द ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? द पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर and enclosed in brackets are called a set of ordered pairs, ठीक है? अब जैसे सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पर हमने लिया हुआ है a is equal to 2 minus 2 and 3 और b is equal to हमने 1 and 4 लिया है, तो a cross b तो आप निकाल लोगे। सपोज मान लीजिए a का हमें a के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो जो हमारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? a का a के साथ ही निकाले तो 2 2 हो गया, फिर आपका 2 -2 हो गया, फिर आपका हो गया 2 3 हो गया, फिर आपने निकाला -2 2 हो गया, फिर आपका -2 -2 हो गया, फिर आपका हो गया -2 3 हो गया, फिर आपका क्या हो गया? 3 3 2 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका 3 -2 हो गया और फिर आपका क्या हो गया? 3 3 3 हो गया। तो ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ए क्रॉस है, इसी तरीके से आप बी क्रॉस ए निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी निकाल सकते हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलता है। पहला कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड सेट को रिप्रेजेंट करता है। आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकालना, फिर दोनों का इंटरसेक्शन परफॉर्म कराना है। तो देखिए इस एग्जांपल को हम किस तरीके से करेंगे। पहले हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाला, तो जब आपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाला तो एलिमेंट्स आए आपके 1 2, फिर आपके आ गए 1 3, फिर आपके एलिमेंट्स आ गए 2 2, फिर आपके आ गए 2 3, ठीक है। फिर आपने निकाला एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाला, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक कार्टेशियन सी में क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है।
फिर आपके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे। देन इसके बाद जो एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 और 3 हो जाएंगे, और फिर जो आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थी। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमनली पेयर्स होंगे उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, तो हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमनली कौन कौन से पेयर हैं। तो 1 3 कॉमन है, हमने 1 3 पेयर रख लिया, और कोई पेयर कॉमन है क्या, 2 3 पेयर कॉमन है, 2 और 3 को कर लिया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पेयर कॉमन नहीं था, तो इस तरीके से आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से दो सेट्स के बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।